रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का एन 52 के इलाका जापान रोड बंगयाल में। यहां भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम टूटी सड़कों, गंदी नालियों और सीवरेज के गंदे पानी जैसे मसाइल से दो चार है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है और क्या मुंतखब नुमाइंदे उनके दर्द को महसूस भी करते हैं या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। इस इलाके में तकरीबन 10-15 साल में कोई काम नहीं हुआ। सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ आप खड़े हैं, ये रोडों का हाल देख लें आप। ये तो रोड है ना, इतनी रोड गंदी हाल है, खस्ता हाल है, जिसका हिसाब नहीं है। गलियाँ भी ऐसे हैं, इलाके में कोई अलग मतलब तरक्याती काम नहीं है। गलियाँ में टूटी फूटी हैं और मतलब है कि ये जो रोड है ना, ख़ास तौर पर जो मेन चीज़ है ये रोड है। यहाँ मतलब 15 साल हो गए हैं, पहले नॉन लीग हुकूमत थी, उसने भी कोई काम नहीं किया यहाँ पे। अच्छा, अभी जो है ना PTI की, इसने बड़े दावे किए थे ब्लांगबा हम तब्दीली लाएंगे, हम रोड बनाएंगे, हम इस इलाके के हैं, हमें पता है इसके मसाइल क्या हैं, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ के जो कैंडिडेट साहब थे। लेकिन अभी तो कोई उससे हाल नहीं है, उससे हाल नहीं है, कोई मतलब देखता नहीं है। रोडें ख़राब हैं और मतलब सबसे मेन चीज़ है कि चोरियाँ होती हैं रास्ते में। रात 8 बजे के बाद हम आ नहीं सकते इधर, इधर खड़े होते हैं क्योंकि गाड़ी बिल्कुल रास्ता चलती है, खड्डे हैं, तो मतलब डाकू चोरों का भी बहुत मसला है। तो रोड सही होगी तो बदमी मतलब है कि ये बड़ा परेशानी मेन चीज़ है रोड की। रोड सेवरेज पानी और सारा लोगों आना जाना था। यह मोटरसाइकिल मेरा देख लो, इसकी हालत रोड देख लो और रोड देख लो। बरए मेहरबानी जड़ी भी हुकूमत है, 10 साल मुस्लिम लीग डॉक्टर सतार साहब रह गए, दुनिया ने काम नहीं उन्होंने किया। आज ये हो गया, वो हो गया, मैंने फंड नहीं मिले जी, मेरा स्टे हो गया, मतलब इस तरह 10 साल गुजार के चले गए। 2 साल इन्ना गुजार चटे, इन्ना कसम पाई चटी कि असं दुनिया ने काम करा था। कसम पाई नहीं कि असं जो तकियाती काम इस पास आता है, जब वोटा टाइम होना उस नरे मारने जी, असं इस इलाके ने असं ये कर सा, वो कर सा, सब कुछ झूठा, कोई बंदा इस मतलब साइड पर नहीं आ रहा। तो बड़ा मेहरबानी है, जिते तक साड़ी आवाज आ रही है सुनाई है, उत्थे तक अपील है साड़ी कि साढ़े काम करो। असं तुम वोटा दीतियाँ, थोड़ी मेहरबानी है कि साढ़े जो काम मसले हल करो। साढ़े इस इलाके की सबसे बड़ी मसाइल ये है कि यहाँ पे रोड का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे जो है तकरीबन पहले चुंगी लेते थे, अब इन लोगों ने डबल कर दिया, लेकिन रोड आप देख लें यहाँ पे हालात जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। अब एक गाड़ी सिंपल सी गाड़ी गुजरती है तो उससे ये 10 के बजाय 20 रुपए लेते हैं, दूसरी गाड़ी गुजरती है उससे 100 रुपया लेते हैं, बड़ी गाड़ी से गुजरती है तो उससे 200 लेते हैं। लेकिन यहाँ तक अभी तक यहाँ पे कोई सड़क वगैरह नहीं बनी, यहाँ सबसे बड़ा यहाँ पे ये इशू है। दूसरी बात यह है कि इस इलाके में गैस नहीं है, गैस का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। मेरी ये लोडिंग गाड़ी है, 800 रुपया मैं इसकी दिहाड़ देता हूँ। अगर मैं मेरा घर भी यहीं पे है, अगर मैं घर सिर्फ खाना खाने के लिए भी आता हूँ तो वो 20 रुपये चुंगी ले लेते हैं, कहते हैं जी आपने टूल टैक्स देना है। जब टूल टैक्स ले रहे हैं कम अज़ कम यार ये सड़क को तो रिपेयर कर दें। तो वो इनका सबसे बड़ा इशू ये है कि पहले 10 रुपये चुंगी होती थी, अभी ये 20 रुपये ले रहे हैं सीधा हिसाब। दूसरा ये है कि जगह टैक्स ले रहे हैं, मतलब कि उसके मुतबादल हमें कोई रिलीफ तो नहीं मिल रहा। हम चुंगी तो दे रहे हैं, घर सिर्फ खाना खाने के लिए भी आ रहे हैं उसके लिए भी 20 रुपये दे रहे हैं। अगर गाड़ी में कोई सामान लोड है तब भी 20 रुपये दे रहे हैं, खाली है तब भी 20 रुपये दे रहे हैं। जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे तब तक तो वो जलसे करते रहे, हमें नज़र भी आते रहे हैं। अब जब से वो इलेक्शन जीते हैं तब तक अभी तक तो हमें वो नज़र भी नहीं आए हैं कि वो खुरम साहब इधर रहते भी हैं या नहीं है, या इधर के हैं भी या नहीं। हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इस इलाके में गैस का सबसे बड़ा इशू है और ये सड़क का। अगर सड़क रिपेयर हो जाए तो फिर 20 रुपये हम चुंगी दें तो चलो हमें यह भी पता चले यार सड़क तो कम अज़ कम सही है। अब सड़क भी टूटी फूटी, पैदल चलने के लिए भी रास्ता कई बार ख़राब हो जाता है कि खड्डे बने हुए हैं, बारिश हो जाती है, खड्डे भरे हुए होते हैं पानी के, पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। सर इधर भी गाड़ी भी उल्टी हो जाती है रोड की वजह से, तो ये दीवार भी हमारा गिर गया था रोड की वजह से, और मसला मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ये रोड की वजह से, सारा काम ख़राब हो गया। और मज़दूर वैसे भी अभी इस हालात में ये मजदूरी भी रोक गया था, लोग बिल्कुल टेंशन में हो गए थे। जो गरीब बंदे किराए में रह रहे ना वो तो किराए नहीं बर्दाश्त करते, कोरोना की वजह से सब हालात रोक गया था। यहाँ बहुत सी मुश्किल हैं, ये देखें आप खड़े देख सकते हैं, यहाँ बंदा चल भी नहीं सकता सही से, मोटरसाइकिल की बुरी हालत हो जाती है जब यहाँ से हम गुजरते हैं तो गिरने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। बारिश होती है तो यहाँ पानी इतना ज़्यादा खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना। हमें ये रोड बना के दे दें जिसकी ताकि हमारे बहुत से नुकसान हो रहे हैं कि हम इनसे बच सकें। तो रोड का हमारा बहुत बड़ा मसला है, ये पिछले 3 सालों की इसकी हालत ऐसे ही है, खस्ता हालत है। कोई आदमी कोई
बिल्कुल ही नहीं, एक कोई आदमी भी नहीं कहता कि यार इसको इसकी रिपेयरिंग कर दें या इसका कुछ ऐसा कर दें कि ये कुछ जो गरीब आवाम है उसके लिए आसानी हो जाए। लेकिन अब तक 3 सालों में हमारा जो MNA साहब है उनको भी इसका बिल्कुल ख्याल नहीं है। वोट ले के चले जाते हैं लेकिन बस 5 साल के बाद फिर वापस आते हैं वोटों लेने के लिए। लेकिन इसके आप जिस ये सामने देखें जो अभी गाड़ी आ रही है, ठीक है, छोटी गाड़ियों के लिए तो बहुत ज़्यादा मसला है, ठीक है, अक्सर एक्सीडेंट होते हैं सर्विस की वजह से मोटरसाइकिल वाले, ठीक है, जितने पड़े हैं, जितने ख़राब हुई है रोड इसकी वजह से अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन देखने वाला कोई नहीं है, ये 3 साल की इसकी हालत है। ये इन्होंने अभी स्टार्ट करनी थी अप्रैल में, ठीक है, अभी ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से स्टार्ट नहीं हुई। कोई आदमी है ही नहीं, इसका वाली वायरस नहीं है, आप क्या करें, इसका कोई भी नहीं है। हमें ऐसा कोई आदमी है जो सामने आ जाए यार कुछ तो दे ना, कर देवे इतना कर देवे कि चलो इसकी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग हो जावे। ये पिछले 3 साल से इसकी हालत ख़राब है। आवाम का कहना है कि ये इलाका लावारिस इलाका है, ऐसा लगता है कि इस इलाके का कोई वारिस नहीं। आवाम ने MNA राजा खुर्रम नवाज और हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमारे मसाइल को जल्द से जल्द हल करें ताकि हमारी मुश्किलात में कमी वाक़ हो सके। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।